नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय यात्रा का शुभारंभ मंगलवार को नोटबंदी के समय कानपुर देहात के झंझट में जन्मे खजांची नाथ ने पार्टी का झंडा दिखाकर उद्योग नगरी कानपुर जाजमऊ पुल से शुरुआत करते हुए हमीरपुर से जौलान होते हुए बुधवार को कानपुर देहात की अमूल डेयरी प्लांट के सामने मैदान में पहुंचकर अखिलेश यादव ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। वहीं पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल एवं कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं पर कार्यकर्ताओं की भीड़ नारे लगाते हुए रथ के साथ साथ बढ़ रही थी और कार्यकर्ताओं ने भी अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भीड़ देखकर गदगद हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि विजय रथ यात्रा को इस यात्रा के जरिए विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी बिगुल फूंकने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी ने विजय यात्रा निकाली है तब तक प्रदेश में परिवर्तन आया है रथ के माध्यम से किसानों बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक भीड़ बता रही है कि आने वाले समय सपा का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा ने महंगाई बढ़ाई है, महिलाओं के सम्मान और नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए सपा विजय यात्रा निकाली गई। कहा कि बुंदेलखंड ने भाजपा को भारी जीत दिलाई थी लेकिन जनता को धोखा मिला है। किसान अभी मात्र एक फसल ही ले रहा है, अब तक उनकी आय दुगनी नहीं हुई है। पेट्रोल के दाम 102 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। वहीं उज्ज्वला के नाम पर दी गई गैस महंगाई के चलते बुझ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में सपा सरकार गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और किसानों को मुफ्त सिंचाई का इंतजाम करेगी। नाम परिचय, वीरसेन यादव, समाजवादी पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ कानपुर देहात। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला यहाँ पे आने वाला है, कार्यक्रम किया जा रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल जब वो कानपुर की सर्जनी से विजय रथ लेकर निकले थे तो कानपुर से लेकर नवेली प्रांत और हमीरपुर तक लाखों लोगों ने सड़कों पे उनका खैर मकदम किया था और ये उनका स्वागत अभूतपूर्व था। पहली बार जब 2001 में वो रथ लेकर निकले थे, दूसरी बार 2011 में लेकर निकले थे और तीसरी बार 2021 में लेकर निकले। जब जब रथ लेकर निकले हैं तब तक परिवर्तन इस उत्तर प्रदेश में हुआ है और प्रदेश का करोड़ों नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब उनकी तरफ निहार रहा है। बदलाव की बयार बह चुकी है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुकूमत बनने जा रही है, ये उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर, विद्यार्थी तय कर चुका है। तो नाम परिचय, अमित यादव, भोगनीपुर, कानपुर देहात, कंचन मिट्टी का। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का ये यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी का विकास रथ पूरे उत्तर प्रदेश में निकल चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने गरीबों, मजदूरों, बेसहारों के लिए हमेशा मदद की है और वो करते आए हैं और बुजुर्गों की पेंशन देंगे, बिजली देंगे, सब फ्री कर देंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर पर, जिले स्तर पर पूरी तरह से तैयारी करने में जुट गई है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे हम। नाम परिचय, सड़क पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि समाजवादी पार्टी सड़क पर नहीं है, तो आज समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव का बिगुल फूंककर सड़क पर आ चुकी है और किसानों और नौजवान की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी विजय रथ
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर निकल चुके हैं और इस विजय रथ से लोगों में इतना उत्साह है, जगह जगह लोगों का हुजूम निकल रहा है। इससे साफ निश्चित हो गया कि 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। मेरा नाम राम सिंह यादव है, मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कानपुर देहात रहा हूँ। सर, आज अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री का जो अभी आने वाले हैं, इसको लेकर जो कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पूर्व आप कह रहे हैं, लेकिन अभी 6 महीने बाद आप कहेंगे मौजूदा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी। हमारे प्रभाकर पांडे सिकंदरा विधानसभा से 2 बार लड़े हैं, अबकी बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। सर, आपको नाम परिचय? प्रभाकर पांडे, बताया भी अंदर जी। सर, आज अखिलेश यादव जी का यहाँ पर काफिला आने वाला है, इसको लेकर कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब विजय यात्रा जो निकली है, ये विजय रथ जो निकला है, ये प्रदेश में एक माहौल बनाएगा और समाजवादी पार्टी पूर्व बहुमत से अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। नाम परिचय? अरुण यादव बबलू, मैं समाजवादी पार्टी का यहाँ गोविंदपुर से करता हूँ। सर, आज इस पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आप देख रहे हैं जो हमारा बैनर है समाजवादी विजय यात्रा, ये विजय यात्रा चल रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनने वाले हैं, ये विजय यात्रा चल रही, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की विजय होगी। ये आप लोग देख रहे हैं, जब से माननीय अखिलेश यादव जी रथ पर सवार हुए हैं, इतनी भीड़, इतना जन समर्थन कभी किसी नेता को हिंदुस्तान में नहीं मिला, जैसा कि मीडिया के लोग दिखा रहे हैं और पूरी जनता देख रही है। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के भविष्य हैं। उम्मीद है नौजवानों की, किसानों की, व्यापारियों की, दलितों की, स्वस्थों की, पिछड़ों की, इसलिए सब लोग उन पर ही पूरी तरीके से निगाह रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से सब लोग ऊब चुके हैं, आप देख रहे हैं भोगनीपुर में जो सड़कें हैं, भोगनीपुर से चाहे सिकंदरा हो, चाहे भोगनीपुर से गजनेर हो, चाहे भोगनीपुर से शाहजहाँपुर वाला रास्ता हो, आप पूरी तरह खराब है, गड्ढे हैं और सरकार क्या लगा रही, गड्ढे मुक्त। इस वजह से पूरी सरकार भाजपा फेल है। आप देख रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के जो प्रोजेक्ट थे अपने अमूल डेयरी माती में, उसमें यहाँ आसपास क्षेत्र के किसानों का दूध जा रहा है, अच्छे रेट में जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव ने अगर ये अमूल का प्लान नहीं लगाया होता तो आज किसान का दूध का रेट जो है उससे भी कम होता, जबकि और बढ़ना चाहिए, लेकिन अब जब सरकार समाजवादी पार्टी आएगी तो रेट और बढ़ेंगे। आप जान रहे हैं मूसानगर का जो मनकी घाट का पुल है, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, आज तक 5 साल होने आए हैं, मुख्यमंत्री जी उसको चालू नहीं करा पाए हैं, और जो पीपे का पुल था देवराट का, वो भी बंद करवा दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीद है, उस क्षेत्र भोगनीपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की निगाह माननीय अखिलेश यादव पर है। वही एक ऐसे नेता है जिससे पूरा हिंदुस्तान का सपना पूरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।